मध्य प्रदेश की पांच बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है, पर इस प्रचंड जीत में देखा जाए तो विधायक के तौर पर सबसे ज्यादा मतों से इंदौर के विधानसभा दो के रमेश मेंदोला जीते हैं, जहां पर 1,00,000 से अधिक वोट प्राप्त कर रमेश मेंदोला ने विजय प्राप्त कर ली है। वहीं मध्य प्रदेश में सीएम पद को लेकर भी काफी नाम चर्चित हो रहे हैं, उसमें से राष्ट्रीय महासचिव और विधानसभा एक के विधायक कैलाश विजयवर्गीय का नाम भी सबसे आगे चल रहा है। उसी को लेकर विजयवर्गीय के परम मित्र और इंदौर शहर में जय वीरू की जोड़ी के नाम से जाने जाने वाले रमेश मेंदोला ने कहा कि केंद्र जो उनकी जिम्मेदारी देगा वो जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। करीब 31 साल की लंबी लड़ाई के बाद हुकुमचंद मिल के मजदूरों को अब न्याय मिला है। जहां न्यायालय ने हुकुमचंद मिल बंद होने के बाद से अब तक की बकाया राशि मजदूरों को देने का आदेश दिया, जिसको लेकर इंदौर नगर निगम द्वारा विजयनगर स्थित ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में एक परिषद बैठक आयोजित की है, जिसमें मिल मजदूरों को उनके न्याय की राशि मिल सके इसको लेकर प्रस्ताव पारित किया गया, जहां पक्ष और विपक्ष दोनों दल के नेताओं ने अपना समर्थन दिया। बताना चाहेंगे कि हुकुमचंद मिल के 5,895 मजदूर 12 दिसंबर 1951 से मिल बंद होने के बाद अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने आज के दिन को ऐतिहासिक दिन बताया और कहा कि देर आए दुरुस्त आए। कांग्रेस विधायक फुलसी बरैया ने चुनाव 2023 से पूर्व भाजपा को मिलने वाले जनादेश पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि भाजपा को प्रदेश में अगर 50 सीटों से ज्यादा प्राप्त होती है तो मैं अपना मुंह काला करवा दूंगा, जिस पर आज चुनाव परिणाम आने पर श्री बरैया ने पत्रकारों के सामने मुखातिब होते हुए ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी होना बताया। वही उन्होंने मुंह काला करने के सवाल पर कहा कि मुंह काला तो क्या पार्टी के लिए लहू से भी मुंह पोंछ सकता हूं। भोपाल के शाहजहानाबाद इलाके में एक व्यक्ति पर हुए हमले के विरोध में भाजपा कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। दोपहर 12 से करीब 1.5 घंटे तक इकबाल मैदान में प्रदर्शन और चक्का जाम किया गया। इस दौरान भोपाल उत्तर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी रहे आलोक शर्मा ने कहा कि हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता भगवान दास डलिया पर जानलेवा हमला हुआ। आलोक शर्मा ने कहा है कि कानून का पालन होना चाहिए, पुराने शहर में कानून का पालन नहीं हो रहा, अब 11 बजे सब बंद होगा। इस संबंध में मैंने कलेक्टर भोपाल से भी बात की है, इसके अलावा कार्रवाई नहीं करने को लेकर उन्होंने पुलिस पर कई तरह के आरोप भी लगाए। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने मंगलवार को विधानसभा चुनाव में पार्टी के सभी हारे और जीते कैंडिडेट्स के साथ बैठक की है। भोपाल में प्रदेश कार्यालय में हार की समीक्षा की गई। कमलनाथ ने सभी प्रत्याशियों से 1-to-1 चर्चा की है। वे आज दिल्ली जाएंगे, वहां AICC हेडक्वार्टर में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में बीजेपी की 163 सीटें आई है, जबकि कांग्रेस को महज 66 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। इसके उलट 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की 114 सीटें आई थी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।